ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सबसेट और पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक आया है जिसका हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सबसे बड़ा सेट ए सेट ले लिया हमने, ये एलिमेंट है, बी सेट भी एलिमेंट है। अब आप ध्यान से देखिए, ए और बी के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से ही है, तो यू यहाँ यूनिवर्सल सेट है। अब हमें यहाँ क्या डिफाइन करना, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डिफाइन करना ए यूनियन बी। तो आप यूनियन का मीनिंग समझिए पहले क्या है, यूनियन का मीनिंग है वैसे जो, इन दोनों को मिला के लिखना ए यूनियन बी, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब इसके बारे में देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कैसे हम लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए सेट से बिलोंग करते हो या बी, अगर कोई एलिमेंट दोनों से बिलोंग करेगा तो एक बार हम उसको लिख लेंगे ए यूनियन बी, या तो आपका ए सेट से बिलोंग करे एलिमेंट या बी से, दोनों को मिला के देखिए, यहां वन बी से बिलोंग करता था, ये काउंट करेंगे यहां टू आ जाएगा, दोनों में टू, तो एक बार लिख लीजिए थ्री फोर सिक्स, यहां से सेवन, दोनों में एक बार हम काउंट कर देंगे, इसको बोलते ए यूनियन बी। सेकंड नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में देखिए कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी वो एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है, एड वर्ड ए में भी बिलोंग करे बी में भी बिलोंग करे, यहां और वर्ड था किसी एक में या दोनों में, बट यहां एंड वर्ड है, ध्यान दीजिए आप, यहां और था या एंड वर्ड है तो दोनों में ही बिलोंग करे, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट, उठाइए ऊपर से, अब ए से स्टार्ट किया टू, टू इधर भेजिए यहां काउंट हो जाएगा, फोर इधर नहीं छोड़ दीजिए, सिक्स नहीं है छोड़ दीजिए, सेवन आ जाएगा। नंबर थ्री ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट, ए माइनस बी को ध्यान से समझे क्या है, x such that x belongs to a and x not belongs to b, इसका मीनिंग समझिए, a a माइनस बी को a सेट के वो एलिमेंट जो b में बिलोंग नहीं करते, दो एलिमेंट ऑफ सेट a which cannot belongs to set b, a सेट के वो एलिमेंट जो b में ना हो। आप देखिए ऊपर से कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक ही प्रश्न टू, क्या टू इधर है, यस इधर है, तो आप नहीं लिखोगे, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, फोर फोर यहां नहीं है तो फोर आपका काउंट हो जाएगा, सिक्स भी नहीं है वो भी काउंट हो जाएगा, सेवन इधर है उसको आप छोड़ दीजिए। नंबर फोर प्लेस पे देखिए आप क्या आएगा, बी माइनस ए, जैसे आपने ए माइनस बी को पढ़ा था, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो बी माइनस ए में देखिए कैसे लिखोगे आप, एक्स such that x belongs to b and x not belongs to a, mean b set के वो element जो b में तो हो लेकिन a में ना, देखिए b इधर से one a में नहीं है तो बाहर आ जाएगा, two दोनों में छोड़ दीजिए, three नहीं है, seven b है छोड़ दीजिए। number five केस में एक डैश या ए के ऊपर टी लिखा मिल जाए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ए के ऊपर डैश आ जाए टी, कॉम्प्लीमेंट सॉरी टी सी, ऐसे सी लिखा जाए, ए डैश मिलेगा नोट में आपको, ये कि सी भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका मीनिंग क्या है, जिसके ऊपर डैश है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, इस यूनिवर्सल सेट में से एक को माइनस कीजिए, एक कॉम्प्लीमेंट एक को छोड़ के, तो यानी कि मैंने कहा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, देखिए क्या करें, वन टू ए के अंदर छोड़ दीजिए, थ्री
फोर भी है, फाइव सिक्स और सेवन है। इसी तरह नंबर सिक्स पे आप क्या आएगा, बी डैश, नंबर सिक्स पे बी डैश क्या आएगा, देखिए यूनिवर्सल माइनस बी, जिसके ऊपर डैश है उसको खुद को यूनिवर्सल में से बाहर कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, देखिए बी में वन है, टू है, थ्री है, फोर नहीं है, फाइव भी नहीं है, ये आपके पास केस आ जाएगी। तो ये हमारे पास था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और ये कॉम्प्लीमेंट। एक और हमारे पास सेवंथ नंबर पे आएगा ए, ये बीच में डेल्टा टाइप का या ट्रायंगल टाइप की इस तरह का सिंबल आएगा, ए डेल्टा बी। इसका मीनिंग क्या समझिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक बार आप ए माइनस बी को लिख लीजिए, देखिए ए माइनस बी के क्या एलिमेंट आपके पास आए, फोर कोमा सिक्स यूनियन, फिर बी माइनस ए एलिमेंट लिखिए वन कोमा थ्री, और यूनियन का मीनिंग जैसा कि आपने पीछे सीखा था दोनों को मिला के, तो वन थ्री फोर सिक्स ये आपके पास आ जाएगा। यूनियन दोनों को मिला के इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, तो इस तरह आपके पास ये छह सात बातें हमारे पास थी जो हमें थोड़ा ध्यान देना, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी बन के आएंगे, तो आप एक बार इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक आधा क्वेश्चन उठाते हैं जिससे हमें ये और क्लियर हो। तो इसमें एक बार ध्यान देंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी के बेस के आपके पास क्वेश्चन होंगे। अगर हम इन्हीं कंसेप्ट से ध्यान दें, ए यूनियन बी यूनिवर्सल का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी के अंदर देखिए ए को भी कंप्लीट को कंटेन करता है, बी को भी कंप्लीट को कंटेन करता है, तो ए और बी ए यूनियन बी के सबसेट हैं। इंटरसेक्शन के सभी एलिमेंट ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है। अगर यहां से हम कंक्लूजन निकालें, ए कोमा बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए भी हमेशा अपने यूनियन बी का होते हैं सबसेट। अगर यहां से हम कंक्लूजन निकालें इधर इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ए सेट का भी सबसेट है और बी सेट का भी सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी ए का भी और बी का भी सबसेट है, ये हम ध्यान देंगे थोड़ा। यूनिवर्सल सेट हर केस में आपका सबसे लार्जेस्ट सेट है, यूनियन जो है वो यूनिवर्सल की हमेशा सबसेट होगी, सभी सेट यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट है ही है। अब हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिखाते हैं जिसमें आपके पास काफी पार्ट सॉल्व करने पड़ सकते हैं आपको। तो सबसे पहले में यूनिवर्सल यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस क्लियर हो, कॉम्प्लीमेंट। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या है और उसी के हिसाब से फिर हम इसके बाकी के जो पार्ट हैं सॉल्व करेंगे। ये आपके पास जो अक्षर साइज है 1.3 से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ है, ये यूनिवर्सल सेट में है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट। ए जो सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, बी जो सेट है हमारे पास 3, 4, 6 और सी जो सेट है 5, 6, 7, 8। यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो आपके पास ए बी सी जो है वो यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड है, सभी की एंट्री यूनिवर्सल से है, यूनिवर्सल से बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो पार्ट रूम में लिख दूंगा क्या प्रूफ बनाए, लेकिन उससे पहले कुछ पार्ट में पार्टों में जरूरत है जो मैं प्रूफ बनाए, तो वो हम सब पार्ट सोल्व करेंगे। हमें चाहिए तो ए यूनियन बी को हम पहले सोल्व कर देते हैं, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, और आपको चाहिए यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और आपको जो जरूरत है ए डैश की जरूरत है, बी डैश की भी जरूरत है।
ये हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, थोड़ा ध्यान से देखिए। ए डिवाइडेड बी टू मीन ए और बी को मिला के लिखना ये दोनों साइड, देखिए क्या है एंट्री, उधर से 1 2 इधर से 3 वहां से भी यहां से भी 4 6 ये आपकी एंट्री है ए यूनियन बी की, बी यूनियन सी दोनों में आगे लिखिए 3 4 5 6 7 8 जहां दोनों में कोई एलिमेंट है 6 तो एक बार काउंट करेंगे आप। ए यूनियन सी ए और सी को मिला के लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन हो 3 4 बी इंटू सेक्शन सी देखिए दोनों में कॉमन क्या है 6 ए डैश यूनिवर्सल माइनस ए जिसके ऊपर डैश है उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कीजिए यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में ना हो 1 2 3 4 का है क्या यहाँ 5 6 7 8 बी डैश यूनिवर्सल माइनस बी ओके यूनिवर्सल में से बी को माइनस कीजिए 1 2 3 4 यहाँ है 5 6 भी यहाँ 7 8 ये हमें सब पॉइंट हमने उठा लिए जो हमें प्रूव करना सेट में उनसे रिलेटेड जो हमारे पास पार्ट्स हैं तो पहले ही पार्ट की अगर हम बात करें जो आपको प्रूव करना है ये हमने सब पार्ट उनके उठा लिए जो हमें प्रूव करना है एक पार्ट में जो हमें प्रूव करना वो क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी मीन पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी थर्ड पार्ट है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये टोटल इसमें 6 पार्ट है 3 पार्ट और रहेंगे पहले ए पार्ट की बात करते हैं ए पार्ट में जो आपको प्रूव करना है इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड भैया ये है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी देखिए आप बताइए ए सेट आपका कहां है ये सेट आपका ए है ध्यान दीजिए ए सेट की जो वैल्यू है 1 2 3 4 और यूनियन अब आप वैल्यू लीजिए बी यूनियन सी की बी यूनियन सी देखिए आपके पास क्या है 3 4 5 6 7 8 दोनों को मिला के लिख दीजिए यूनियन है तो 1 2 इधर से 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं इसी साइड इसी पार्ट की राइट हैंड साइड की बात करूं तो वो है ए यूनियन बी एंड यूनियन सी ए यूनियन बी की वैल्यू आप उठाइए ऊपर आपने सॉल्व किया 1 2 3 4 6 यूनियन सी की वैल्यू आप उठाइए 5 6 7 8 दोनों को मिला के लिख दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहां से आ जाएगा आपका 6 दोनों में एक बार आप काउंट कीजिए 7 8 मिला के दोनों पार्ट आपके कैसे यहां पे इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो आप एक बार लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर आप राइट पार्ट को सॉल्व करेंगे अब हम लेते हैं बी पार्ट बी पार्ट में देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये मैंने एक पार्ट में आपको वैल्यू रख के दिखा दी बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए की वैल्यू रखिए आप ए सेट की वैल्यू देखिए क्या है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी आपने सॉल्व किया 6 तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है दोनों में कोई भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 5 या उसको खाली सेट ले सकते हो जहां कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम इसे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं अब मैं इसकी राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं राइट हैंड साइड हमारे पास देखिए क्या है ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी ओके ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी 3 4 और उधर से आप C की वैल्यू की 5 6 7 8 दोनों में कॉमन देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 5 या खाली सेट तो देयरफॉर ये इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो आप लिखेंगे फाइव या खाली ब्रैकेट लगा दीजिए। सी पार्ट आप देखिए क्या था आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आप पहले ए की वैल्यू देखिए वहां पे क्या है 1 2 3 4 और यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू देखिए 6, दोनों को मिला के 1 2 3 4 6, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की बात है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, वो थी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, आप पहले ए यूनियन बी की वैल्यू रखिए, ऊपर आपने सब पार्ट में सॉल्व किया है 1 2 3 4 6, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन वैल्यू देखिए 1 2 3 4 6, और दोनों को आप मैच कीजिए, दोनों वैल्यू आपकी कैसी है सेम है, तो इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं इसके फोर्थ पार्ट की वैल्यू देखिए आपके पास लिख के दिखाता हूं, जो डी पार्ट है उसमें क्या है आप देखिए, डी पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर डैश है उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कीजिए, यानी यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, यूनिवर्सल ये है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 4 3 4 को छोड़ के बाकी सभी एंट्रीज आप लिख दीजिए 1 2 5 6 7 8। अब इसके राइट हैंड साइड देखिए क्या है, यहां ध्यान से ये है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश की एंट्री की मैं बात करूं, ये ए डैश और ये बी डैश दोनों का यूनियन है, दोनों को मिला के लिखिए 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, तो दोनों को देखिए इंप्लाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ई पार्ट आपके पास जो हमें प्रूव करना है उसमें आपके पास देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का होल डैश, यानी यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को बाहर कर दीजिए। अब हम जाते हैं ए यूनियन बी, ये है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कीजिए, 1 भी नहीं आएगा 2 भी 3 भी 5 6 यहां नहीं आएगा 7 8 5 7 8। अब राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं यहां पे ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपके पास ए डैश है और ये बी डैश, दोनों में कॉमन एलिमेंट भाई 5 7 8, 5 7 8, तो इंप्लाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन के थ्रू आप काफी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, एक बार फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए, ये पार्ट 5 पार्ट इसके अंदर थे, एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन के जो पार्ट है बिल्कुल आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन आपको सिर्फ फंडे ध्यान हो कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ए डैश मीन कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी डैश क्या है, ए माइनस बी क्या है और बी माइनस ए क्या है। लीजिए एक बार रीडिंग इसके ध्यान से, एक क्वेश्चन अब हम छोटा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें फिर आगे कोई प्रॉब्लम, तो इन क्वेश्चनों में जो हमने पार्ट कीजिए पहले उन सब पार्ट को सॉल्व कीजिए ताकि आपके लिए आगे से आसानी हो। और हम एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, टेंथ क्वेश्चन आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 एंड 10, 10 तक के आपके पास एलिमेंट हैं, ए सेट है 1 3 4, बी सेट है हमारे पास 5 6, और यहां जो हमें वेरीफाई करना होती है क्या ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड बी डैश माइनस ए डैश। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमें इस क्वेश्चन पे प्रूव करना है उसके सब पार्ट्स को आप सॉल्व कीजिए,
जैसे ही आप इसके सब पार्ट को सॉल्व कर देंगे उसके बाद आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सब पार्ट हम डालते हैं यहाँ चाहिए ए डैश और बी डैश। ए डैश जैसा कि आपको बताया यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट निकाल दीजिए, वन है इधर निकाल दीजिए, टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। बी डैश यूनिवर्सल माइनस डी, डी को निकाल दीजिए, वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन। अब हमें देखिए इधर एक पार्ट चाहिए ए माइनस बी, जैसा कि पहले पढ़ चुके डिफरेंस ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, देखिए कौन से नहीं है, वन भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, फोर भी नहीं है, सभी को उठा लीजिए। फिर हमें इसको नंबर वन लीजिए, आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए की अगर मैट्रिक की बात करूं वन थ्री फोर, इंटरसेक्शन बी डैश आपने सॉल्व किया था वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन। ओके सॉल्व कीजिए, दोनों में इंटरसेक्शन वन भी है कॉमन, थ्री भी कॉमन और फोर भी, इसको आप नंबर टू दीजिए। अब आपको सॉल्व करना है क्या, बी डैश माइनस ए डैश, बी डैश माइनस ए डैश मीन ये बी डैश है, बी डैश के वो एलिमेंट जो ए डैश में ना हो, देखिए क्या नहीं है, वन नहीं है रख दीजिए, टू भी उधर है, थ्री भी नहीं है रखिए, फोर भी नहीं है रखिए, सेवन है एट है नाइन, बस याद रहेगा, इसको आप नंबर थ्री दीजिए। देखिए नंबर वन नंबर टू और नंबर थ्री से, फ्रॉम वन टू एंड थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके यूनियन इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड थे, आप एक बार ध्यान से कीजिए। Thank you.